नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मेरी मौजूदगी है इस वक्त टिहरी के भलडियाना गांव में, और जो मैं तस्वीर आपको बताऊंगी दिखाऊंगी वो सोचने पर मजबूर कर देगी कि किस तरफ देवभूमि जा रही है। दरअसल जिस मलबे में मैं मौजूद हूं, ये कभी मकान हुआ करते थे, आशियाना हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ ढांचा बचा है। यहाँ पर मलबा तो है, लोगों का पुनर्वास हो गया, समस्या ये नहीं है। समस्या क्या है ये भी बताएंगे। देखिए, टिहरी झील जो कि कुछ दूरी पर है, यहाँ से आपको नजर आ रही होगी ये टिहरी झील, और जो यहाँ पर लोग हैं ये गाँव के वासी है, गांव के बाशिंदे हैं। दरअसल ये धसती चली जा रही है, ये जो जमीन धस रही है इसका असर ये हो रहा है कि ऊपर जो सड़क है वहां से भी मलबा नीचे आ रहा है। खतरा तो यहां पर बना हुआ है, लेकिन जो स्थिति 5 साल पहले थी उससे ज्यादा अब स्थिति खराब हो गई है, और आने वाले साल संकट से भरे हैं। आगे हम आते हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि ध्यान से हम आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि पूरी तरीके से ये जमीन जो है धस चुकी है, सिर्फ स्ट्रक्चर बचा है, और जो ये गीली जमीन आप देख रहे हैं आगे अगर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे तो यहां तक पानी आ जाता है। अभी झील का लेवल डाउन है, झील से यहां पर लोगों को रोजगार तो मिला है, बिजली का भी यहां पर लोगों को फायदा हुआ बिजली उत्पादन में, लेकिन विकास के नाम पर किस तरीके से विकास की फैक्ट्री यहां पर हो गई इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और आगे हम जाते जाएंगे, दरअसल समस्या तो ये हुआ कि यहां के लोगों ने ऊपर घर बना लिया है। आगे आप पहाड़ देखेंगे लेकिन ये रास्ता भी नीचे को आ रहा है। जिस सड़क से हम लोग आए हैं वो घर भी नीचे आते जा रहे हैं, वहां पर भी दरारें आती जा रही हैं, जो बड़ी चिंता की बात है। और क्या वो किसी बड़े खतरे को आहट दे रही है? ये एक गंभीर संकट है और बड़ा सवाल भी है जिस पर सोचना होगा। नहीं तो जिस तरीके से ये जो लेवल है अगर आप देखेंगे, देखिए कितना यहाँ पर ये खाई है और ये मलबा नीचे आता जा रहा है। यहाँ पर पहाड़ के पहाड़ नीचे खिसक रहे हैं और जमीन में समा रहे हैं। आगे अगर आप देखिए तो किस तरीके से, वो देखिए, वो वहां पर मकान हुआ करते थे, जो सिर्फ आपको ये पत्थर नजर आ रहे होंगे ये समा चुके हैं, ये तो समा चुके हैं। यहाँ के लोगों का पुनर्वास हो गया है, अलग अलग इलाकों में जमीन मिली है, लेकिन जो ऊपर गाँव में लोग हैं, जो लोग यहाँ पर बचे हैं उनका क्या होगा? जो रास्ता है वो खराब हो चुका है, वहां पर कच्चा रास्ता है, उसका क्या होगा? ये सवाल बड़ा है और सवाल गंभीर भी है। इस बीच जोशीमठ की अगर हम आपको बताएं तो मुख्यमंत्री के सचिव का क्या कहना है, वो कह रहे हैं कि हालात पर नजर बनाए हुए हैं, प्राथमिकता ये है कि लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जाए। उन्होंने क्या कहा ये हम सुन लेते हैं। अब मैं ध्वस्तीकरण के बारे में एक मैटर क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि केवल दो होटल का वो भी ध्वस्तीकरण शब्द मैं यूज़ नहीं करूंगा, डेमोलिशन नहीं है, डिसमेंटलिंग है, क्योंकि उसको बहुत केयरफुल तरीके से करना पड़ता है। अगर बुलडोजर से गिराएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा अगल बगल के स्ट्रक्चर्स। तो जो CBRA की टीम आई है वो जैसे सजेस्ट कर रहे हैं वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसके अलावा कोई अन्य आवासीय भवन अभी ध्वस्तीकरण या डिसमेंटलिंग करने का इरादा नहीं है, लेकिन अभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हो रही थी तो कुछ स्टेक होल्डर्स ने स्वयं डिमांड किया था कि मेरा स्ट्रक्चर डिसमेंटलिंग कर दिया जाए। तो हमने कहा कि ये दो होटल हैं, इसका सरकार का निर्णय है डिसमेंटलिंग करें, क्योंकि अगल बगल के जो भवन हैं उसको रिस्क है। इसके अलावा अन्य भवन, भवन स्वामी खुद अगर अनुरोध करते हैं तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से तस्वीरें आपको टिहरी में दिखाई दे रही थी, बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें जोशीमठ में भी हैं। मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, दरअसल मौसम को बदलते हुए आप देख सकते हैं, और साफ तौर पर आपको बताएं कि मौसम जैसे जैसे बदलता जा रहा है वैसे ही यहाँ पर बारिश का होना भी शुरू हो गया है। अब से थोड़ी देर बाद हम कोशिश करेंगे, जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, उनके जो सेक्रेटरी हैं RM सुंदरम जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या कुछ प्रबोध डोभाल जो कि यहाँ के SP हैं उनका कहना है, आप जरा ये सुनिए। अभी तो हम लोग स्टैंड बाय में ही हैं, अभी फोर्स की हम लोगों के द्वारा ब्रीफिंग भी की गई है, जितना फोर्स हमें जो बाहर से प्राप्त हुआ है वो उनको जो सेक्टर हमारे यहाँ जो बांटे गए हैं उन सेक्टरों में फेमिलाइजेशन के लिए हमारे द्वारा भेजा गया है, और हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, जैसा जो भी आगे आदेश होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।